अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ बीफ का खड़े मसाले का गोश्त, इसको मैं फ्राई भी कहती हूँ। इसके लिए अज्जा इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, थोड़ा सा साबित धनिया है, ज़ीरा गरम मसाला, ज़ीरा काली मिर्चें, लौंग, तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा दही 1/2 कप, 5 से 6 साबित हरी साबित लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैं हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ, और हसबे ज़ायका नमक। ये 1/2 किलो से ज़्यादा गोश है बीफ का। आप चॉइस है आपकी, आप मटन में बनाना चाहें या आप चिकन में बनाना चाहें, रेसिपी इसी तरह ही से फॉलो करेंगे। अब ऑयल में शामिल कर दूँ, ऑयल शामिल कर दिया है, उसको हल्के से, इससे प्याज जो है वो ब्राउन होगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी। प्याज को ब्राउन कर लेंगे, ब्राउन कर लिया है, और उसके अंदर ये गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाले को थोड़ा सा भूनकर उसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट में उसको अच्छे से भून लूंगी। देखें मैंने 5 मिनट इसको भून लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट में। उसमें ये कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी 2 से 3 अदद। ये दही शामिल कर दूंगी। ये साबित लाल मिर्च, हल्दी और हसबे ज़ायका नमक, ये शामिल कर दूंगी। और ये कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दूंगी। पानी शामिल करके इसको हल्के आंच पे पकाऊंगी। एक से दो गिलास गोश्त गलने तक इसको पकाऊंगी बिल्कुल हल्की आंच पे। और मसाला फ्राई गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल्स और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मेरी नई वीडियो में मिलेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।